हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस स्ट्रेंथ चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट मॉक टेस्ट DSSSB TCT और PCT के लिए, दोनों के लिए है ये। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम इसमें करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वही क्वेश्चन जो है रखे गए हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टोटल हम इसमें 31 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, तो आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर ए सेट ए, 1 से लेकर 1000 तक एक सेट दिया गया है, तो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ए शैल बी डिविजिबल बाय 3 और बाय 5 और बाय बोथ 3 एंड 5। तो इसमें एक सेट दिया गया है, बताना है कि कितने मेंबर हैं ए के जो कि डिविजिबल होंगे 3 से भी, 5 से भी और दोनों से भी, ठीक है। तीनों तरीके के जो हमें निकालने हैं कि टोटल कितने नंबर्स जो हैं इसमें बनेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसने 3 से पूछा है, तो 3 से हम निकाल लेते हैं कि डिविजिबल बाय 3 कितना आएगा। अगर मैं निकालूं डिविजिबल बाय 3, 3 से कितने नंबर डिवाइड होंगे, तो देखिए लास्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 999, ठीक है, ये होगा जो कि लास्ट नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा। 1000 जो होगा वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा 333। इसको आप ए नाम दे सकते हो, ठीक है। अब हम निकालते हैं डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिवाइड होंगे, तो देखिए लास्ट नंबर जो 5 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, 1000 होगा। तो 1000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहां से आ जाएगा 200, ये वैल्यू आ जाएगी बी की। फिर कह रहा है कि बाय बोथ 3 एंड 5, जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो, ये बताना है। तो देखिए 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने के लिए बोला है इसने, तो बोथ वाला केस हम कहां पर अप्लाई करते हैं, इंटरसेक्शन में यूज होता है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज होती है वही पुट करते हैं। तो इसमें हमें वो लेना है जो कि 3 से भी हो और 5 से भी हो, दोनों नंबर से डिवाइड हो, सिर्फ वो नंबर बताने हैं, ठीक है। तो हम यहां पे निकाल सकते हैं ए बी, हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब देखिए जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा वो लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 990 हो जाएगा, जो 3 से भी डिवाइड होगा 5 से भी। तो अब हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से, 3 × 15, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड करेंगे तो यहां से टोटल नंबर निकल जाएंगे 66। तो देखिए अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है यहां से, देखिए यहां पे बोला है 3 और बाय 5 और बाय बोथ 3 एंड 5। अब इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि जो 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो और बोथ से भी डिवाइड हो। तो इसमें हमें क्या लेनी है, वो सारी वैल्यूज लेनी है जो 3 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी और दोनों से भी। यानी कि हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए की जो वैल्यू है वो कितनी निकली है, 333 निकली है, बी की वैल्यू 200 निकली और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकली है, 66 निकली है। तो अब हम इनको जो है ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 533 माइनस 66, तो यहां से आ जाएगा 467, ठीक है। तो वो कितने मेंबर होंगे ए के जो कि 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी और दोनों से भी, तो वो हो जाएंगे 467। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ओके तो इसको आपको इस तरीके से करना है। जब भी बोथ की बात आएगी तो वहां पर हम इंटरसेक्शन लेंगे, और जहां पर सभी ऑल की बात होगी वहां पर यूनियन जो है निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए 467 करेक्ट होगा। अगला देखिए, ए सर्टेन ट्री हैज 2 vertices of degree 4, 1 vertex of degree 3 and 1 vertex of degree 2, इफ द अदर vertices हैव degree 1, हाउ मेनी vertices आर देयर इन द ग्राफ। तो हमें क्या बतानी है, वर्टिसेस कह लो या वर्टेक्स कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, अलग अलग जो है उनकी डिग्री दी गई है, तो हमें टोटल जो है वर्टेक्स बतानी है। तो अब देखिए यहाँ पे बोला 2 vertices of degree 4, यानी कि 2 vertices हैं जिनकी डिग्री कितनी है, 4 है। फिर कह रहा है 1 vertex है जिसकी डिग्री 3 है, ओके। अगला वर्टेक्स जो है वो भी 1 है जिसकी डिग्री 2 दी गई है। लास्ट में इसने बोल दिया कि इफ द अदर वर्टिसेज हैव degree 1, डिग्री तो 1 दे दी लेकिन यहां पर वर्टिसेस नहीं बताई हैं कितने हैं, तो हम यहां पे क्या मान लेंगे कि कितने वर्टिसेस हैं, k वर्टिसेस हैं,
ठीक है। तो अब ये पूछ रहा हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन द ग्राफ। देखिए तीन वर्टिसेस हमें पता चल गए, 2, 3, 4, लेकिन हमें के की वैल्यू नहीं पता है, तो ये के की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है और तभी हम बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने जो है इसमें आएंगे। ओके, तो देखिए टोटल वर्टेक्स अगर हम यहां से निकाले तो कितने निकलेंगे, यहां पे 2, 1, 1, ये हो जाएंगे 4 और प्लस में के, तो 4 प्लस के जो है क्या निकल गए यहां से, वर्टेक्स निकल जाएंगे। और ये क्या है, डिग्री, डिग्री आप निकाल सकते हैं, अगर डिग्री, डिग्री की इसमें जरूरत है भी नहीं, ठीक है, डिग्री को बेशक रहने दीजिए। तो यहां से हमारे पास 4 प्लस के वर्टिसेस आ गए हैं। अब देखिए हमें पता है नंबर ऑफ एजेस कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ एजेस होते हैं वर्टेक्स जितने होते हैं उनसे एक कम, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास तीन वर्टेक्स हैं इस तरीके से एक ट्री में, तो मेरे पास एज कितनी आ रही है, 2 आ रही हैं। तो वही बोला है कि जो नंबर ऑफ एजेस होती हैं वो वर्टेक्स में से अगर हम -1 कर देंगे तो वो नंबर ऑफ एजेस जो है निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ एजेस कितनी निकल जाएंगी, वर्टेक्स थे हमारे 4 प्लस के या के प्लस 4 कह लीजिए, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 1 को, तो कितना आ जाएगा, के प्लस 3। नंबर ऑफ एजेस कितनी निकल गई, के प्लस 3 आ गई, और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी आ गई, के प्लस 4, ठीक है। तो यहां पे एक बार इन्हें क्लियर करके लिख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास है के प्लस 4, और अगर हम देखें नंबर ऑफ एजेस तो वर्टेक्स माइनस 1 था तो के प्लस 3 आ जाएगा। अब हमें यहां पे टोटल वर्टेक्स बताने, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी लगती है हैंड शेकिंग लेमा प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, जिसमें जो डिग्री होती है, ठीक है, जो डिग्री हो, डिग्री इनटू में वर्टिसेस इक्वल टू होते हैं 2 इनटू में नंबर ऑफ एजेस के, ठीक है, 2 नंबर ऑफ एजेस। तो यहां पे हमें डिग्री भी पता है वर्टिसेस भी पता है। देखिए अब यहां पे डिग्री और वर्टिसेस को आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, जैसे सबसे पहले था 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4 यानी कि 2 इनटू 4 प्लस 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3 तो 1 इंटू 3 कर दीजिए, फिर आगे कह रहा है 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, और अदर वर्टिसेस हमने k माना था तो उसको हम k इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू में 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस थी k प्लस 3 तो 2 इंटू k प्लस 3 यहां से निकल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस में k इक्वल टू 2k प्लस 3, ठीक है। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा, ये 13 प्लस के हो जाएगा, इस के को हम उधर ले जाएंगे तो ये के बचेगा, और 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा यहां से, एक मिनट, यहां पे 6 हो जाएगा ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 7, यहां पे के की वैल्यू 7 जो है आ गई है, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ वर्टिसेस बता सकते हैं, चार वर्टिसेस तो वो थे पहले ही जिसमें जो गिवन थे, और 7 ये हो गए, तो 7, 4, 11 टोटल कितने वर्टिसेस इसमें से आ जाएंगे, 11 वर्टिसेस जो है यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो ये बस प्रॉपर्टी याद रखिए, जब भी आपसे कुछ इस तरीके का पूछा जाता है वर्टेक्स वगैरह, तो एक हैंड शेकिंग लेमा प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है कि डिग्री इंटू में वर्टेक्स इक्वल टू होते हैं 2 इंटू में नंबर ऑफ एजेस के, और नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालते हैं, जितने भी वर्टेक्स होते हैं उनमें से -1 करेंगे तो नंबर ऑफ एजेस जो है वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द ग्राफ शोन बिलो, दिस ग्राफ इज अ, इस ग्राफ के बारे में बताना है कि कैसा ग्राफ है, क्या कंप्लीट ग्राफ है, बाइपरटाइट है, हैमिल्टन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो देखिए ग्राफ को देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि तीनों ग्राफ एक्चुअल में होते कैसे हैं, तभी हम बता पाएंगे। देखिए सबसे पहले आता है कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि हर एक वर्टेक्स जो होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि ए एफ के साथ कनेक्ट है और एफ सी के साथ कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन क्या आप ए और सी को कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या ए और सी के बीच में डायरेक्ट अगर लाइन होती तो मैं कह सकती थी, या बी और डी के बीच में होती तो ये कंप्लीट ग्राफ हो जाता, क्योंकि फिर हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक जो थी एज जा रही थी, ठीक है। तो इसलिए ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, तो ये चीज याद रखिए, कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, हर एक वर्टेक्स एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ओके, ठीक है, ये चीज इसमें याद रखिएगा। यहां पे नंबर ऑफ एजेस भी आप पता कर सकते हैं, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो नंबर ऑफ एजेस कितनी निकलेंगी यहां से, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, मीन्स जो n होगा
एन कितना होगा नोड, यानी कि इसमें देखेंगे अगर आप 1 2 3 4 5 6 नोड है इसमें, तो एजेस इसमें कितनी आनी चाहिए 6 × 6 − 5/2 2 × 3 = 6, तो इसमें 15 एजेस होनी चाहिए थी अगर ये कंप्लीट ग्राफ होता। तो क्या इसमें 15 एजेस हैं? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 4 13 13 है इसमें, क्योंकि दो इसमें नहीं है, एक बी से डी और एक ए से सी, अगर वो होती तो ये कंप्लीट ग्राफ होता। तो बस ये चीज आप इसमें याद रखिए। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो n n − 1/2 फॉर्मूले से, ठीक है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ नोड से है, मीन्स जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे हैं उससे रिलेटेड है ये, ओके। तो ये कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है। फिर बात आती है बाइपार्टाइट ग्राफ की, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी वर्टेक्स सेट होती हैं उनका पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। वर्टेक्स सेट का पार्टीशन किया जाता है इनटू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट में। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए बी सी डी और ई, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है बना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइपार्टाइट ग्राफ बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेट गिवन है उसको हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये वर्टिसेस 1 और ये वर्टिसेस 2, ठीक है। एक और चीज इसमें याद रखिए कि वर्टेक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक वर्टिसेस में होगा, तो एंडिंग जो है वो दूसरे में होगा। इस तरीके से जो है इसको हमें डिवाइड करना होता है, तो वहां पर बाइपार्टाइट ग्राफ जो है बनता है। तो ऑब्वियस है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, तो ये बाइपार्टाइट ग्राफ भी जो है नहीं है, ओके। फिर आता है हैमिल्टन ग्राफ। हैमिल्टन ग्राफ में क्या होता है, हैमिल्टन ग्राफ में मतलब एक क्लोज सर्किट होता है, एक साइकिल चलती है जिसमें जो फर्स्ट वर्टेक्स होता है और जो लास्ट वर्टेक्स होता है वो सेम होता है, और बाकी के जो वर्टिसेस होते हैं वो वन बार अक्कर होते हैं, ठीक है, मतलब वन टाइम अक्कर होते हैं। अगर वो टू टाइम अक्कर होंगे तो वो हैमिल्टन ग्राफ नहीं होगा। तो इसमें हम स्टार्टिंग से पॉइंट से देखते हैं, जैसे मैं अगर ए से जा रही हूँ बी पे, ठीक है, ए से बी पे गई, बी से F पे गए, ठीक है, F पे C, F पे जाने के बाद हम गए C पर, C से E पर गए, E से D पर गए, ठीक है, और D से वापस A पर जा सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रिपीट हुए हैं, बाकी के पॉइंट रिपीट नहीं हुए हैं। जब हमने एक पूरी साइकिल को चलाया तो उसमें फर्स्ट और लास्ट जो थे वो रिपीट हुए हैं, तो ये हैमिल्टन ग्राफ हो जाएगा। तो हैमिल्टन ग्राफ में आपको यही याद रखना है, ठीक है, जो वर्टेक्स होगा ग्राफ का वो एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है अपीयर होगा, ठीक है। तो ये हैमिल्टन ग्राफ की डेफिनेशन हो जाएगी, ओके। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द बीसीडी एडर टू एड 2 डेसिमल डिजिट नीड्स मिनिमम ऑफ 6 फुल एडर एंड 2 हाफ एडर, 5 फुल एडर एंड 3 हाफ एडर, 4 फुल एडर एंड 3 हाफ एडर और 5 फुल एडर एंड 2 हाफ एडर, ओके। बीसीडी एडर को ऐड करने के लिए मतलब 2 डेसिमल डिजिट को ऐड करने के लिए कितने मिनिमम ऑफ एडर और हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे 4 फुल एडर एंड 3 हाफ एडर की जरूरत होगी, तो ऑप्शन सी जो है यहां पे करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, द एक्सेस 3 डेसिमल कोड इज ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बिकॉज द बाइनरी सम ऑफ ए कोड एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 9, इट इज ए वेटेड कोड, कॉम्प्लीमेंट कैन बी जनरेटेड बाई इन्वर्टिंग ईच बिट पैटर्न, द बाइनरी सम ऑफ कोड एंड इट्स 10 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 9, ओके। एक्सेस 3 डेसिमल कोड के बारे में बताना है अब, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्सेस 3 डेसिमल कोड को सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बाइनरी सम होता है कोड का और इसके 9 कॉम्प्लीमेंट का वो इक्वल टू होता है 9 के, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। वेटेड कोड ये नहीं होता है, नॉन वेटेड कोड होता है, ठीक है, तो ये गलत है। कॉम्प्लीमेंट कैन बी जनरेटेड बाय इन्वर्टिंग ईच बिट पैटर्न, ये भी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, और बाइनरी सम ऑफ ए कोड एंड इट्स 10 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 9, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है एक्सेस 3 डेसिमल कोड के बारे में सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, सी कोड दिया गया है, इसकी आउटपुट बतानी है कि क्या जो है आउटपुट यहाँ से आएगी। मेन INT X है, फिर प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट दी गई है एंड देन वैल्यू को प्रिंट करना है। देखिए क्या होगा, किस तरीके से होगा, सबसे पहले देखिए X की वैल्यू क्या है यहाँ पे 128 है। प्रिंट ऑफ में अगर आप देखेंगे तो 1 + x++ है, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर तो वैल्यू एज इट इज रहेगी 128 है, ठीक है, प्लस में 1 है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 129 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा, तो 129 जो है सही हो जाएगा,
ठीक है 129। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मींस। इस एक्सप्रेशन का मतलब बताना है, कैर में थ्री टाइम्स पॉइंटर दिया गया है, फंक्शन भी है, एरे भी है, ठीक है। अब देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, तो कौन सा सही हो जाएगा यहां पे? इसमें देखिए क्या हो रहा है, एन एरे ऑफ एन पॉइंटर्स टू फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू कैरेक्टर्स, ठीक है। थ्री टाइम्स जो है पॉइंटर्स यूज हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्लास। इनमें से कौन सा है जो कि मेंबर ऑफ क्लास नहीं होता है, क्लास का मेंबर नहीं होता है? स्टैटिक फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन या वर्चुअल फंक्शन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फ्रेंड फंक्शन इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्लास। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन एरे इज पास्ड एज पैरामीटर टू ए फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब क्या कहा गया कि अगर हम एरे को पास करते हैं एज ए पैरामीटर टू ए फंक्शन तो क्या होगा, क्या फंक्शन चेंज करेगा वैल्यू इन द ओरिजिनल एरे? इन सी पैरामीटर आर पास्ड बाय वैल्यू, द फंक्शन कैन नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू इन द एरे। इट रिजल्ट्स इन कंपाइलेशन एरर व्हेन द फंक्शन ट्राइज टू एक्सेस द एलिमेंट इन द एरे, या रिजल्ट इन ए रन टाइम एरर व्हेन द फंक्शन ट्राइज टू एक्सेस द एलिमेंट इन द एरे। तो क्या होगा जब एरे को पास किया जाएगा एज ए पैरामीटर टू ए फंक्शन, तो इसमें क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो चेंज करेगा वैल्यू को इन द ओरिजिनल एरे, ठीक है। तो करेक्ट जो यहाँ पे होगा वो होगा, द फंक्शन कैन चेंज वैल्यू इन द ओरिजिनल एरे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट बिटवीन ओवरलोडेड फंक्शन एंड ओवररिडन फंक्शन। ओवरलोडेड फंक्शन और ओवररिडन फंक्शन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? क्या ओवरलोडिंग डायनामिक और रन टाइम है, और ओवररिडन स्टैटिक है? ओवरलोडिंग इज स्टैटिक और कंपाइल टाइम, एंड ओवररिडिंग इज डायनामिक और रन टाइम। रीडिफाइनिंग ए फंक्शन इन फ्रेंड क्लास इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, एंड रीडिफाइनिंग ए फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो क्या जो है इनमें से सही होगा? देखिए ओवरलोडेड और ओवररिडन फंक्शन हमने पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़े थे, उसके टाइप थे, ठीक है। तो जो ओवरलोडिंग होता है वो कैसा फंक्शन होता है? स्टैटिक और कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है, और ओवररिडिंग जो होती है, ओवररिडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो डायनामिक और रन टाइम बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ओवरलोडिंग स्टैटिक होता है और ओवररिडिंग डायनामिक और रन टाइम बाइंडिंग होती है, ठीक। चलिए अगला देखिए, डिविजन ऑपरेशन इज आइडियली सूटेड टू हैंडल क्वेरीज ऑफ द टाइम। जो डिविजन ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है, जो हमने एसक्यूएल में पढ़ा, डीबीएमएस में, वो किसके लिए बेटर होता है, मतलब किस तरीके की क्वेरी को हैंडल कर सकता है? कस्टमर हु हैव नो अकाउंट इन एनी ऑफ द ब्रांचेज इन दिल्ली, कस्टमर हु हैव एन अकाउंट एट ऑल ब्रांचेज इन दिल्ली, कस्टमर हु हैव एन अकाउंट इन एटलीस्ट वन ब्रांच इन दिल्ली, कस्टमर हु हैव ओनली ज्वाइंट अकाउंट इन एनी वन ब्रांच इन दिल्ली। ओके देखिए, डिविजन ऑपरेशन जो है, जहां पर सभी के बारे में, ऑल की जहां पर बात आती है, वहां पर डिविजन ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि स्टूडेंट एनरोल्ड ऑल कोर्सेज, तो वहां पे डिविजन ऑपरेशन से जो है मतलब क्वेरी आ सकती है, मतलब हैंडल करते हैं क्वेरी इस तरीके की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर हु हैव एन अकाउंट एट ऑल ब्रांचेज इन दिल्ली, इस हैंडल को मतलब इस क्वेरी को कौन हैंडल कर सकता है? डिविजन ऑपरेशन। ओके चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से जो ट्रू है वो बताना है। सबसे पहले कह रहा है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ ज्वाइन इज पॉसिबल इन एसक्यूएल विद टेबल अलायंस, आउटर ज्वाइन ऑपरेशन इज बेसिक ऑपरेशन इन रिलेशनल एलजेब्रा, नेचुरल ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन ऑपरेशन आर इक्विवेलेंट। इनमें से ट्रू बताना है कि फर्स्ट सेकेंड ट्रू है, सेकेंड एंड थर्ड, ओनली थर्ड या ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो देखिए इसमें क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ ज्वाइन इज पॉसिबल इन एसक्यूएल विद टेबल अलायंस। देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो होती है सेल्फ ज्वाइन के लिए, पॉसिबल इन एसक्यूएल विद टेबल अलायंस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन में अलाइजिंग जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि सेल्फ ज्वाइन में हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं सेम टेबल्स को टू टाइम्स, ठीक। तो अलाइसिंग क्या करती है, वहाँ पे दोनों टेबल्स को सेपरेट नेम जो है देती है, कि मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है ये देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आउटर ज्वाइन इज बेसिक ऑपरेशन इन रिलेशनल एलजेब्रा, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेसिक ऑपरेशन हमने पढ़े थे रिलेशनल एलजेब्रा में कौन कौन से होते हैं, जैसे
सेलेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, रीनेम, कार्टिजियन प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस, यूनियन, ये सारे क्या हैं, बेसिक ऑपरेशन हैं। ओके, फिर बात करें हम नेचुरल ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन ऑपरेशन आर इक्विवेलेंट, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं होती हैं, दोनों को ही कंस्ट्रक्ट मतलब दोनों के लिए जो टेबल होती हैं वो सेपरेट वेज में कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, नेचुरल और आउटर ज्वाइन में, तो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, तो सिर्फ ओनली फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कन्वर्टिंग ए वीक एंटिटी सेट इनटू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखिए, इसमें बताना है कि अगर कोई ईआर डायग्राम है उसको हम उसमें कोई वीक एंटिटी सेट है और अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में चेंज करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, जनरलाइजेशन से, स्पेशलाइजेशन से, एग्रीगेशन से, या एडिंग सुटेबल एट्रीब्यूट से। ओके, सबसे पहले ईआर डायग्राम पढ़ाया हुआ है मैंने। देखिए, ईआर डायग्राम में एंटिटी को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, कुछ इस तरीके से एंटिटी डिनोट की जाती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इसी रेक्टेंगल को अगर मैं दो उसमें दिखाऊं, दो रेक्टेंगल एक साथ दिखाऊं, तो ये क्या बन जाती है, हमारी वीक एंटिटी बन जाती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या होता है, जो प्राइमरी की होती है वो गिवन होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंटिटी में, स्ट्रॉन्ग एंटिटी में प्राइमरी की हमारी होती है और वीक एंटिटी में हमारा प्राइमरी की नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी की नहीं होता है, तो यही मेन डिफरेंस होता है। अब ये ही बोल रहा है कि अगर मुझे वीक एंटिटी सेट को स्ट्रॉन्ग में चेंज करना है, स्ट्रॉन्ग में वो कब आएगी, जब उसमें प्राइमरी की होगी। ठीक है, बाकी कीज तो होती ही हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्ट्रॉन्ग में प्राइमरी की होती है और वीक एंटिटी सेट में प्राइमरी की नहीं होती है। तो जब हम वीक को स्ट्रॉन्ग में बदलेंगे तो ऑब्वियस हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए। और प्राइमरी की किस तरीके से ला सकते हैं, अगर मैं वीक एंटिटी में कुछ एक ऐसा एट्रीब्यूट ऐड कर दूं जो कि प्राइमरी की का काम कर रहा है, ठीक है, तो तब हम जो है वीक एंटिटी सेट को प्राइमरी सॉरी क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्राइमरी की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एडिंग सुटेबल एट्रीब्यूट। अगर हम कोई सुटेबल एट्रीब्यूट वीक एंटिटी सेट में ऐड कर देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बन जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, द बेस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिलेशन स्कीम R A B C D along with the set of functional dependency F is। अब हमें हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है, हमें बताना है कि ये किस नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट में है, थर्ड में है, सेकेंड में है, या बी सी एन एफ है। ओके, एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी रिलेशन जो गिवन होगी वो हमेशा फर्स्ट एन एफ में होगी ही होगी, इसीलिए हमें कभी फर्स्ट एन एफ चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सेकंड, थर्ड और बी सी एन एफ चेक कर सकते हैं, फर्स्ट को छोड़ दीजिए। अगर वो रिलेशन इन तीनों में नहीं है तब वहां पर आप आंसर फर्स्ट एन एफ लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक रिलेशन फर्स्ट एन एफ में होती ही होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक कर रहे हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या कहती है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होनी चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें नहीं अलाउ होती है। ठीक है, फुल्ली फंक्शनल होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इसको किस तरीके से निकालते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्लोजर निकालते हैं। जैसे कि ए बी किस किस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पर कह रहा है कि ए बी प्रोड्यूस कर रहा है सी को, ए बी किसको प्रोड्यूस कर रहा है, सी को। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी को तो कर ही कर रहा है, ए बी खुद को भी प्रोड्यूस करेगा, तो ए बी प्रोड्यूस कर रहा है ए बी को भी, यानी कि खुद को भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में सी को भी प्रोड्यूस कर रहा है। आगे कह रहा है कि ए बी डी को भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पे हमने निकाल लिया कि ए बी डी को भी प्रोड्यूस कर रहा है। देन उसके बाद कह रहा है कि सी ए को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पे आपने देखा कि सी है, तो यानी कि हम ए को ए इसमें ऑलरेडी है तो ए को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी ए को भी कर रहा है और डी बी को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो आपने देखा यहां पे कि ए बी एक ऐसी की है जो क्या कर रही है, चारों मतलब जितने भी हमारे गिवन थे रिलेशन में, जितने भी पॉइंट्स गिवन थे उन सभी को होल्ड कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमें सबसे पहले कैंडिडेट की को ही जो है फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए बी सी डी में से जो कैंडिडेट की है वो क्या है, ए बी है, क्योंकि वो क्या कर रही है, जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी को रिलेशन में, मतलब जितने भी वो गिवन थे उन सभी को होल्ड करके रखा हुआ है उसने। ठीक है, लेकिन यहां से तो हमने कह दिया कि ये क्या है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होगी ए बी सी डी। अब इसमें ये चेक करते हैं कि क्या इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि अगर कोई जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है अगर वो उस पर डिपेंड हो गया है कैंडिडेट की पर, तो वो अलग से किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे कि हमने कहा कि ए बी जो है वो क्या है,
ए बी में अगर आप देखेंगे जो बी है यहां पे देखिए लास्ट डी प्रोड्यूस कर रहा है बी को. बी क्या है, जब हमें पता है कि बी फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है ए बी पे, तो वापस से उसको डी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, क्योंकि डी क्या है, कैंडिडेट की नहीं है. डी क्या है, कैंडिडेट की नहीं है, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. तो उसे वापस से किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी जब वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है. तो यहां पे क्या आ रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है. तो इसीलिए ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा. वहां पर सेकंड एनएफ में क्या होना चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं अक्कर होनी चाहिए. बट यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, अगर यहां पे सी ए को प्रोड्यूस नहीं करता और डी बी को नहीं करता तो हम कह सकते थे कि यहां पर ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो नहीं है. अब बात आती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये हो सकता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट को, यानी कि क्या कह लीजिए, कैंडिडेट की को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो चल सकता है. लेकिन अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ही प्रोड्यूस करेगा तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी. ठीक है, चेक करते हैं. देखिए वही फिर से क्लोजर निकालेंगे हम कि ए बी किस किस को प्रोड्यूस कर पा रहा है. सी को कर पा रहा है, ए बी तो होगा ही, सी को भी कर पा रहा है और डी को भी कर पा रहा है. तो चारों को इसने होल्ड करके रखा हुआ है. तो ए बी हमारी कैंडिडेट की है, ए बी क्या है, कैंडिडेट की है. अब यहां पे अगर आप देखेंगे कि ए बी प्रोड्यूस कर रहा है सी को, यानी कि कैंडिडेट की किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, कैंडिडेट की किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को. देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आप यहां से निकाल सकते हैं. ए बी तो हो गए हमारे प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट यानी कि कैंडिडेट की जो हम बोल रहे हैं. ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अब हमारे पास क्या बचे, सी और डी बचे हैं. अब ये सी और डी किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को क्या नहीं करने चाहिए, प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए. तो हमने देखा सी प्रोड्यूस कर रहा है ए को, लेकिन हमें पता है ए हमारा कैसा है, प्राइम एट्रीब्यूट है. तो नहीं बन रहा है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जो है प्रोड्यूस करे. और ऐसे ही डी को भी हमने देखा कि डी किसको कर रहा है, प्रोड्यूस प्राइम एट्रीब्यूट को, ना कि नॉन प्राइम को. तो हम कह सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म है. अगर इसी रिलेशन में गिवन होता कि सी प्रोड्यूस कर रहा है डी को, तो यहां पे हो जाता कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं बनती. ओके, तो यहां पर यह थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी. तो अगर अभी समझ नहीं आया है तो जब और क्लासेस आएंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहां पर आपको जो है इन चीजों को मैं और क्लियर करके आपको बताऊंगी. बट अभी आप ये चीज याद रखिए, जब भी आपको कुछ इस तरीके से फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालनी है तो सबसे पहले आप क्लोजर निकालिए. ठीक है, इसमें आप जो है चेक कीजिए कि कौन कौन सी कैंडिडेट की आती है. कैंडिडेट की वो होती है जो सारे के सारे जितने भी उसमें गिवन होते हैं उन सभी को होल्ड करके रखे. ठीक है, वो कैंडिडेट की होती है, या उसको आप प्राइम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं. और जो बच जाते हैं वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में चले जाते हैं. ओके, तो बस फिर आपको रूल पता है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या नहीं होना चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. और हर एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होती ही है. ओके, और इसमें हमें स्ट्रॉन्ग जो की होती है वो चेक करनी होती है बीसीएनएफ में. ठीक, चलिए तो यहां पर राइट आंसर थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा. अगला देखिए, आइडेंटिफाई द मिनिमल की फॉर रिलेशन स्कीम आर विद फंक्शनल डिपेंडेंसी. देखिए मिनिमल की किसको कहा जाता है, मिनिमल की कहा जाता है कैंडिडेट की को ही. किसको कहते हैं, कैंडिडेट की को ही मिनिमल की बोला जाता है. ये चीज आप याद रखिए. और ये शायद पेपर में भी पूछी गई थी, या ट्रू मतलब उसमें कुछ जो क्वेश्चन आते हैं ना कि इनमें से कौन सा सही है. ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से, तो उसमें आया हुआ था कि मिनिमल की मतलब कैंडिडेट की इज ए मिनिमल की. तो बिल्कुल कैंडिडेट की एक मिनिमल की ही होती है, मिनिमल की को ही कैंडिडेट की बोलते हैं. तो इसमें हमें बस वही बताना है. अब मैंने आपको बताया कैंडिडेट की किस तरीके से निकालते हैं. सबसे पहले क्लोजर निकालेंगे. ठीक है, ए देखिए, सबसे पहले ए का क्लोजर हम निकाल दिए. ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को, अब ये कह रहा है बी प्रोड्यूस कर रहा है सी को, तो यहां पर ऑब्वियस है ए भी प्रोड्यूस करेगा सी को. ठीक है, फिर ए सी प्रोड्यूस कर रहा है डी को. अब देखिए जब ए बी सी को प्रोड्यूस कर रहा है, सी इसमें है ए इसमें है, तो ऑब्वियस है ए भी प्रोड्यूस करेगा डी को. ठीक है, तो यहां से तो ये बन जाएगी. अब अगर हम इसमें देखेंगे दूसरा सेट बनेगा हमारे पास, ए सी प्रोड्यूस कर रहा है डी को. अब देखिए अगर आप देखेंगे कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो सभी के सभी को होल्ड करके रखे. ठीक है, क्योंकि पांच इसमें गिवन है रिलेशन में, ए बी सी डी ई, लेकिन यहां पर ए सिर्फ होल्ड कर रहा है बी सी डी को, ई को होल्ड नहीं कर रहा है. तो हम नहीं कह सकते ना कि ए अकेला कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की नहीं होगा ये, क्योंकि ये ई को होल्ड नहीं कर रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये ए ई होता तो ऑब्वियस है इसमें सारे के सारे आते. तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि ए ई जो है वो एक कैंडिडेट की है, यहां पे मिनिमल की है,
सिर्फ ए नहीं, क्योंकि ए ने सभी को होल्ड करके नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं ए ई कर देती हूं तो वो कैंडिडेट की हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ए ई जो है यहां पर मिनिमल की है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, यू हैव टू सॉर्ट ए लिस्ट एल, एक लिस्ट दी गई है उसको सॉर्ट करना है, कंसिस्टिंग ऑफ ए सॉर्टेड लिस्ट फॉलोड बाय ए फ्यू रैंडम एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग मेथड वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर सच ए टास्क। ओके, कोई लिस्ट ली गई है, कुछ रैंडम एलिमेंट्स उसमें पुट किए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा सॉर्टिंग मेथड है जो उसके लिए मोस्ट सुटेबल होगा, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। यहां पे काम आती है इस तरीके के क्वेश्चन में, इनकी जो हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ना, बेस्ट वर्स्ट वाली, वो वाली, तो बेस्ट केस किस में बन रहा है वो आपको चेक करना होता है। अगर मैं बबल सॉर्ट में बात करूं तो यहां पर बेस्ट केस क्या बनता है, कितनी जो कंपैरिजन होते हैं नंबर ऑफ केसेस, कंपैरिजन अगर हम देखें तो बबल सॉर्ट में होते हो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, यही बनती है बबल सॉर्ट की बेस्ट केस में। फिर बात करें अगर हम क्विक सॉर्ट की, तो क्विक सॉर्ट में भी क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर कंपैरिजन होते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट में भी ऑर्डर ऑफ एन स्केयर कंपैरिजन होते हैं, और इंसर्शन सॉर्ट में होते हैं ऑर्डर ऑफ एन। अब आप देखिए, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहां पर किसके कंपैरिजन कम है, तो वो है इंसर्शन सॉर्ट के, क्योंकि वहां पर कंपैरिजन कितने होते हैं, सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन होते हैं। तो जो बेस्ट सुटेबल होगी या मोस्ट सुटेबल होगी इस टास्क के लिए लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए, तो वो हो जाएगी इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, द डायरेक्टरी कैन बी व्यूड एज ए डैश दैट ट्रांसलेट फाइल नेम इन टू देयर डायरेक्टरी एंट्रीज, सिंबल टेबल, पार्टीशन, स्वैप स्पेस या कैशे। डायरेक्टरी को हम कैसे देखते हैं, जब हम ट्रांसलेट करते हैं फाइल नेम को इनटू देयर डायरेक्टरी एंट्रीज, तो राइट आंसर हो जाएगा द डायरेक्टरी कैन बी व्यूड एज ए सिंबल टेबल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सिंबल टेबल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ए फुल बाइनरी ट्री विद एन लीव्स कंटेन्स, एक फुल बाइनरी ट्री है और उसमें एन लीव्स हैं, तो वो कितनी जो है नोड्स को कंटेन करेगा। देखिए, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, ए बाइनरी ट्री इज फुल इफ एवरी नोड हैज जीरो और टू चिल्ड्रन। ठीक है, वो बाइनरी ट्री वो होता है, सॉरी, फुल बाइनरी ट्री वो होता है जिसके या तो दो चिल्ड्रन है या जीरो चिल्ड्रन है, वन नहीं हो सकता, थ्री नहीं हो सकते। ठीक है, वो फुल बाइनरी ट्री होता है। या इसमें एक और डेफिनेशन आती है कि फुल बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें अगर हम लीफ नोड को छोड़ दें तो बाकी के जो चिल्ड्रन होते हैं वो दो होते हैं, मतलब हर एक चिल्ड्रन जो है दो होते हैं, एक्सेप्ट किसके, लीफ नोड के। अब लीफ नोड क्या होती है, लीफ नोड वो होती है जिसका कोई चिल्ड्रन ना हो। ठीक है, ये होता है। तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अगर एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से लिया, ठीक है, ये क्या है, फुल बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसमें क्या है, या तो दो आ रहे हैं या फिर जीरो आ रहा है। जीरो का मतलब क्या है, लीफ नोड है। अब आप इसमें लीफ नोड बताएंगे कितना है, देखिए लीफ नोड अगर आप इसमें देखेंगे तो लीफ नोड इसमें आ रही है थ्री, लीफ नोड कितनी आ रही है, थ्री आ रही है। ओके, और टोटल नोड अगर आप देखेंगे तो वन टू थ्री फोर और फाइव आ रही हैं। टोटल नोड कितनी आ रही है, फोर, फाइव जो है यहां से निकल के आ रही है। तो अब देखिए इस लीफ नोड को हम किस फॉर्मूले में निकाल कर जो है फाइव आंसर लेके आ सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर हम टोटल एन नोड वहां लिखते हैं तो हमारे पास लीफ नोड, लीफ कितनी थी हमारे पास, तीन थी, तो उतनी ही नोड आ रही है। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा क्योंकि एन नोड्स वहां पर गिवन है, लॉग टू एन नहीं होगा, टू रेस टू पावर एन अगर हम करेंगे तो दो दुनी चार दुनी आठ नोड आनी चाहिए थी, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, फाइव नोड। बचा क्या, टू एन माइनस वन, यानी कि टू इंटू थ्री माइनस वन, तो तीन दुनी छह और एक पांच, पांच नोड निकल रही है। ठीक है, जितनी लीफ नोड थी उससे उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल के देखा तो हमारा आंसर फाइव आ रहा था, और ये फाइव आंसर हमारा सिर्फ ऑप्शन सी से निकल रहा है। तो ए फुल बाइनरी ट्री विद एन लीव्स कंटेन टू एन माइनस वन नोड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो थोड़ा सा इस तरीके से आप निकाल के देख सकते हैं कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नोड क्या होती है, जो भी यहाँ पे वर्टेक्स गिवन होती है इनको नोड बोला जाता है, ये एजेस होती हैं, और लीफ नोड मैंने आपको बता दिया जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो वो लीफ नोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ए फुल बाइनरी ट्री विद एन लीव्स कंटेन टू एन माइनस वन नोड। ओके, चलिए अगला देखिए, इन ए क्लास फुल एड्रेसिंग फर्स्ट फोर बिट्स इन क्लास ए आई पी एड्रेस इज, पहली चार बिट बतानी है क्लास ए आई पी एड्रेस में कौन कौन सी होती हैं। ओके, फोर बिट्स बतानी है,
तो हमें पता है कि हम क्लास ए में सिर्फ फर्स्ट जो फर्स्ट बिट होती है वो कौन सी यूज़ करती हैं, ज़ीरो यूज़ करते हैं. तो इसमें से नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उसमें सिर्फ ज़ीरो ही आती हैं. तो नन यहाँ पर राइट आंसर होगा, नन ऑफ द अबव. ठीक है, आगे फिर 100 जाता है, 10 होती हैं, फिर 110 एंड देन 1110, इस तरीके से चलती है. आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज़ नॉट ए ब्रॉडकास्ट. ओके सॉरी, यहाँ पे फॉलोइंग एल्गोरिथम इज ए ब्रॉडकास्ट एल्गोरिथम आएगा, इज नॉट नहीं आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रॉडकास्ट राउटिंग एल्गोरिथम. इनमें से जो ब्रॉडकास्ट राउटिंग एल्गोरिथम है उनके बारे में बताना है. फ्लडिंग, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग, मल्टी डायमेंशनल मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग या ऑल ऑफ द अबव. ब्रॉडकास्ट राउटिंग पढ़ा हुआ है हमने कि होस्ट जो है वो सेंड कर सकता है मैसेज को टू मैनी और ऑल अदर होस्ट. ऐसे यूनिकास्ट पढ़ा था हमने, 1-to-1 जिसमें होता है. ऐसे ही मल्टीकास्ट है, मैनी टू मैनी जिसमें होते हैं. ओके, तो ये हमने सारे किए हुए हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट. तो यहाँ पे हमें बताना है कि ब्रॉडकास्ट राउटिंग एल्गोरिथम इनमें से कौन कौन सी होती हैं. तो फ्लडिंग, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग और मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग तीनों ही क्या है, ब्रॉडकास्ट राउटिंग एल्गोरिथम है. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. डिबगर इज ए प्रोग्राम दैट अलाउ टू एग्जामिन एंड मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, डज नॉट अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, अलाउ टू सेट ब्रेक पॉइंट, एग्जीक्यूट ए सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑफ रजिस्टर. डिबगर क्या होता है? डिबगर क्या होता है? एक प्रोग्राम ही होता है जिसको प्रोग्रामर यूज करते हैं किस लिए, टू टेस्ट एंड डिबग ए प्रोग्राम. ठीक है, यानी कि एरर को फाइंड आउट करने के लिए, उसको सही करने के लिए डिबगर यूज किया जाता है ना. तो ये क्या अलाउ करता है? क्या ये एग्जामिन और मॉडिफाई करता है कंटेंट ऑफ रजिस्टर, या डज नॉट अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, या अलाउ टू सेट ब्रेक पॉइंट, एग्जीक्यूट ए सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑफ रजिस्टर. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अलाउ टू सेट ब्रेक पॉइंट, एग्जीक्यूट ए सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑफ रजिस्टर. तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए अगला देखिए. Consider the following justification for commonly using the two-level CPU scheduling. तो two-level CPU scheduling के बारे में बताना है. देखिए first point कह रहा है, it is used when memory is too small to hold all the ready processes. तो ये बिल्कुल सही है, two-level CPU scheduling तभी use की जाती है जब memory जो होती है वो small होती है, टू होल्ड ऑल द रेडी processes. ओके, बिकॉज इट फैसिलिटेट पुटिंग सम सेट ऑफ प्रोसेसेस इन टू मेमरी एंड चॉइसेस मेड फ्रॉम दैट. ये पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है. ओके, इसकी परफॉर्मेंस सेम होती है फिफो की तरह, ये गलत है इसमें. और इट डज नॉट अलाउ टू एडजस्ट द सेट ऑफ इन कोर प्रोसेस, ये भी गलत है. तो ये दो पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएंगे. टू लेवल सीपीयू शेड्यूलिंग कब यूज करते हैं? जब जो मेमोरी होती है वो स्मॉल होती है और होल्ड करती है वो जितनी भी रेडी प्रोसेसेस हैं. ओके, एंड साथ में इट फैसिलिटेट पुटिंग सम सेट ऑफ प्रोसेस इन टू मेमरी एंड चॉइसेस मेड फ्रॉम That. तो वन एंड थर्ड यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए अगला देखिए. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट होल्ड गुड फॉर ए सॉल्यूशन टू ए क्रिटिकल सॉल्यूशन प्रॉब्लम. ओके, जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए गुड सॉल्यूशन नहीं है वो बतानी है. देखिए आगे पहला है, नो अजम्पशन मे बी मेड अबाउट स्पीड और द नंबर ऑफ CPU. ठीक है, नो टू प्रोसेसर मे बी साइमल्टेनियसली इनसाइड देयर क्रिटिकल सेक्शन. बिल्कुल ये सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन का. फर्स्ट भी है, नो अजम्पशन मे बी मेड अबाउट स्पीड और द नंबर ऑफ CPUs. आगे है, प्रोसेस रनिंग आउटसाइड इट्स क्रिटिकल सेक्शन कांट ब्लॉक अदर प्रोसेसिंग गेटिंग. एक मिनट, ये कह रहा है प्रोसेस रनिंग आउटसाइड इट्स क्रिटिकल सेक्शन मे ब्लॉक अदर प्रोसेसेस, की जो प्रोसेस रन हो रही आउटसाइड क्रिटिकल सेक्शन में वो ब्लॉक करेगी अदर प्रोसेसेस को, या प्रोसेस डू नॉट वेट फॉर एवर टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन. तो इसमें हमें बताना था जो सही सॉल्यूशन नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर सी. क्यों नहीं है? देखिए, जो प्रोसेस रन करेंगी आउटसाइड इट्स क्रिटिकल सेक्शन वो ब्लॉक नहीं कर सकती हैं अदर प्रोसेसेस को गेटिंग एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन. मतलब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए वो जो रन कर रही है प्रोसेस वो उसको ब्लॉक करने का काम नहीं करेगी. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे. बाकी तीनों है कि प्रोसेस डू नॉट वेट फॉर एवर टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, नो टू प्रोसेस मे बी साइमल्टेनियसली इनसाइड देयर क्रिटिकल सेक्शन. ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि होल्ड नहीं करती है गुड फॉर ए सॉल्यूशन टू ए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. ठीक है, आगे है, डैश आर अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस.
इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस पे अप्लाई किया जाता है, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, अम्ब्रेला एक्टिविटीज, या प्लानिंग एक्टिविटी, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस पे अप्लाई की जाती हैं थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, तो वो होती हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज. अम्ब्रेला एक्टिविटीज आर अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस. अम्ब्रेला एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल हो गया, क्वालिटी अश्योरेंस है, रीयूजेबिलिटी है, मेजरमेंट है, ये सारी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब क्या है, अम्ब्रेला एक्टिविटी है. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में यही चलती है, तो ऑब्वियस यहाँ पे अम्ब्रेला एक्टिविटी ही सही होगा. तो याद रखिए, अगर कभी पूछा जाए कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी पता होनी चाहिए. डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, फॉर्मेट टेक्निकल रिव्यू, रीयूजेबिलिटी, मेजरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं. ओके, और यही अप्लाई होती है थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक, चलिए अगला देखिए. रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फोकस ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड सप्लायर मैनेजमेंट आर प्रोसेस एरियाज रिक्वायर्ड टू अचीव मैच्योरिटी लेवल. तो मतलब जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, चाहे रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फोकस है, ट्रेनिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड सप्लायर मैनेजमेंट है, ये जो प्रोसेस एरिया दिए गए हैं, ये किस तरीके के मैच्योरिटी लेवल को अचीव करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये रिक्वायर्ड होते हैं टू अचीव मैच्योरिटी लेवल डिफाइंड. ठीक है, एक मैच्योरिटी लेवल क्या होती है, इज ए वेल डिफाइंड इवोल्यूशनरी प्लेट होती है टूवर्ड अचीविंग ए मैच्योर सॉफ्टवेयर प्रोसेस. ओके, तो यहां पर डिफाइंड जो है सही हो जाएगा. अगला है, द सॉफ्टवेयर डैश ऑफ ए प्रोग्राम और ए कंप्यूटिंग सिस्टम इज द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम विच कंप्राइज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, द एक्सटर्नली विजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज कंपोनेंट्स एंड द रिलेशनशिप अमंग दैम. डिजाइन ऑफ ए प्रोग्राम, द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोग्राम, या सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑफ ए प्रोग्राम, या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोग्राम. तो यहाँ पे बताना है कि सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम होता है, कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसमें, सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स होते हैं. ठीक है, उनकी विजिबल प्रॉपर्टीज होती है, रिलेशनशिप होते हैं उनके बीच में, तो इसको क्या कहा जाता है, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोग्राम. तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोग्राम. ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूट शुड नॉट बी इनकम्पास्ड बाय अफेक्टिव सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस. शुड नॉट बी इनकम्पास्ड, देखिए सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस की बात हो रही है यहाँ पे. सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस मेजर करता है किसको, सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स, जो काउंटेबल सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको मेजर करता है सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस. ओके ओके, और इसमें जो है क्या क्या होती हैं, सिंपल और कंप्यूटेबल होती है. करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें इसकी, जो काउंटेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की, वो कौन कौन सी होती हैं, सिंपल एंड काउंटेबल होती है, कंप्यूटेबल होती है, सॉरी, कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव भी होती है, साथ में कंसिस्टेंट इन द यूज ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन भी होती है. ओके, तो ये तीनों जो है इसकी प्रॉपर्टीज हैं. जो इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस जो है इंपॉर्टेंट होता है किस व्यू से, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है. तो याद रखिए, बस सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या करता है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनकी सॉफ्टवेयर की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए, कैसी प्रॉपर्टीज, काउंटेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, काउंटेबल सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का यूज किया जाता है. ठीक, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंप्यूट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी. इनमें से मतलब किसका यूज किया जाता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करने के लिए. साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है जिसको यूज किया जाता है टू मेजर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम. ठीक है, अब पूछा जाए आपसे कि साइक्लोमेटिक जो कॉम्प्लेक्सिटी इसका यूज क्यों किया जाता है, तो याद रखिए टू मेजर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम. किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं. इसमें यही जो है इसमें क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि किस तरीके से इसको कंप्यूट किया जाता है, तो वो है पी प्लस वन वी हब. पी इज द नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स इन द फ्लो ग्राफ जी. ठीक है, पी प्लस वन यहाँ पे इसको याद रखिएगा. ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम भी पूछा जाते हैं यहाँ पे, तो उस पर फॉर्मूला याद रखिए, वी जी इक्वल टू होता है ई माइनस एन प्लस
टू के, ठीक है। इसमें जैसे ई हो गया नंबर ऑफ एजेस हो गई एंड नंबर ऑफ नोड्स हो गई, तो इस तरीके से भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की अगर पूछी जाए तो उसके लिए ई माइनस एन प्लस टू, और यहाँ पे जो पूछा गया है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पी प्लस वन, वेयर पी इज द नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स इन द फ्लोग्राफ जी, ठीक। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है फैक्टलेस फैक्ट टेबल इन डाटा वेयर हाउस कंटेन्स। फैक्टलेस फैक्ट टेबल क्या कंटेन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओनली सरोगेट कीज, सिर्फ सरोगेट कीज को जो है वो कंटेन करती है। आगे है विच ई बिजनेस मॉडल अलाउज कंज्यूमर टू नेम देयर ऑन प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो कौन सा जो है अलाउ करता है कंज्यूमर को टू नेम देयर ऑन प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कस्टमर टू कस्टमर या कस्टमर टू बिजनेस। तो देखिए इसमें कस्टमर का तो कोई काम है ही नहीं, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है उससे, तो बिजनेस टू बिजनेस नहीं होगा। फिर जैसे कस्टमर सॉरी कंज्यूमर कस्टमर नहीं कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर अगर हम देखें ये क्या करता है, मतलब इस तरीके का मॉडल होता है जो कि कस्टमर को अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। बट ऑन प्राइस या प्रोडक्ट की सर्विस से रिलेटेड नहीं होता है, कस्टमर टू कस्टमर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं बट इस सर्विस से रिलेटेड नहीं होते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बिजनेस टू गवर्नमेंट वैसे ही नहीं होगा, गवर्नमेंट का भी जो है इससे वो नहीं होगा कुछ, ठीक है। देर इज मतलब गवर्नमेंट से भी नहीं आएगा, जो सही हो सकता है वो हो सकता है कस्टमर टू या कंज्यूमर टू बिजनेस कह लीजिए, ठीक है। कंज्यूमर टू बिजनेस जो होता है ये मॉडल अलाउ करता है कंज्यूमर को टू नेम देयर ऑन प्राइस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो कस्टमर टू बिजनेस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मॉडल इज डिजाइन टू ब्रिंग प्राइस डाउन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु बाय ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट वंस, तो कौन सा मॉडल है जिसको डिजाइन किया गया है टू ब्रिंग प्राइसेस डाउन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर हु बाय ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय एट वंस, तो राइट आंसर हो जाएगा डिमांड सेंसिटिव प्राइसिंग मॉडल, डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो रहेगा, ओके। तो ये था मॉक टेस्ट, 31 क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हैं, आप अपना स्कोर जो है शेयर कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट रखे हैं इसमें, नेक्स्ट में कोशिश करेंगे थोड़े से इजी क्वेश्चन भी जो है रखे जाएं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।